दोस्तों स्वागत है आपका एडुडोम में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आसाम हिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डी एम आसाम में पूछे जा सकते हैं डी एम आसाम से रिलेटेड दो वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूं अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम अहोम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुकाफा। अब क्वेश्चन नंबर टू इन ईयर दिट द अहोम्स एंटर द ब्रह्मपुत्र वैली अहोमो ने ब्रह्मपुत्र घाटी में किस वर्ष प्रवेश किया था ऑप्शन ए है 1220 हंड्रेड ऑप्शन बी 1225 हंड्रेड ऑप्शन सी 1228 हंड्रेड या फिर ऑप्शन डी 1230 हंड्रेड तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1228 हंड्रेड अब क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम वेयर डिड द अहोम्स ओरिजिनली केम अहोम मूल रूप से कहाँ से आए थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोंग माओ अब क्वेश्चन नंबर फोर व्हेन डिड इब्ने बतूता द सेलिब्रेटेड ट्रैवलर विजिटेड आसाम प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता ने आसाम की यात्रा कब की थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फोर्टीन सेंचुरी अब क्वेश्चन नंबर फाइव विच अहोम किंग वॉज पॉपुलरली नोन एस बामुनी कौनवार किस अहोम राजा को बामुनी कौनवार के नाम से जाना जाता था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुदांगफा अब क्वेश्चन नंबर सिक्स हु वॉज रेफर टू एस दिहंगिया राजा दिहंगिया राजा किसे कहा जाता था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुहंगम अब क्वेश्चन नंबर सेवन Which of the following Ahom king was the first to adopt the title नारायण निम्नलिखित में से किस ओहम राजा ने सबसे पहले स्वर्ग उपाधि धारण की थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सुहंगमुंग और दिहिंगिया राजा तो सुहंगमुंग को दिहिंगिया राजा के नाम से भी जाना जाता था अब क्वेश्चन नंबर एट वाट वॉज द पार्मानेंट कैपिटल ऑफ द चुतिया किंगडम चुतिया साम्राज्य की स्थायी राजधानी क्या थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सादिया अब क्वेश्चन नंबर नाइन विच किंग ऑफ अहोम किंगडम रूल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ फिफ्टी वन ईयर्स द लॉन्गेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अहोम डाइनास्टी अहम साम्राज्य के किस राजा ने इक्यानवे वर्ष तक शासन किया अहोम देश के इतिहास में सबसे लंबा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सुकाम्फा तो दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अहम साम्राज्य पर कितने वर्ष तक राज किया था सुकाम्पा ने तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्टी वन ईयर्स अब क्वेश्चन नंबर टेन द गोहाइन कमल अली रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर गोहाइाइन कमल अली सड़क का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नर नारायण अब क्वेश्चन नंबर इलेवन इन विच ईयर श्रीमंता शंकर देवा वॉज बॉन्न श्रीमंत शंकर देव का जन्म किस वर्ष में हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फोर्टीन फोर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज साइंड बिटवीन माजुली की संधि किसके बीच हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोच एंड आहोम्स अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन विच या द प्रेजेंट टेम्पल ऑफ कामाख्या वॉज रिबिल्ड बाई किंग नरनारायण कामाख्या का वर्तमान मंदिर राजा नरनारायण द्वारा किस वर्ष में फिर से बनवाया गया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1565 एडी अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु वॉज नोन एज द विक्रमादित्य ऑफ कामरूपा कामरूप के विक्रमादित्य के रूप में किसे जाना जाता था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नर नारायण अब क्वेश्चन नंबर द अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच अहोम किंग अहोम मुगल संघर्ष किस अहोम राजा के शासनकाल में शुरू हुआ था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रताप सिंघा तो प्रताप सिंहा को बूढ़ा राजा के नाम से भी जाना जाता था तो ये भी पूछा जा सकता है आप याद रखिएगा अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेम द प्लेस वेयर द फर्स्ट बैटल बिटवीन द अहोम्स एंड मुगल्स वाच स्पॉट उस स्थान का नाम बताइए जहाँ अहोमों और मुगलों के बीच पहली लड़ाई हुई थी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भराली अब क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हु वॉज द फास्ट बोड बड़ुआ ऑफ अहम किंगडम अहम साम्राज्य का पहला बोड बड़ुआ कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मोमाई तमोली क्वेश्चन नंबर एट्टीन हुई मुगल जनरल इन्वेडेड अहो किंगडम एंड ऑक्युपाइड गढ़ किस मुग़ल सेनापति ने अहम साम्राज्य पर आक्रमण किया और गढ़गांव पर अधिकार कर लिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मीर जुमला अब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच द बैटल ऑफ सरायघाट वाज वॉज स्पॉट सरायघाट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1671। और तब अहोम राजा कौन थे अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदादित्या सिंघा अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हु वॉज़ द फादर ऑफ लचित बड़फुकन। लचित बोड़फुकन के पिता कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोमाई तमूली बड़ तो दोस्तों इसी के साथ असम हिस्ट्री का पार्ट वन यहाँ पे ख़त्म होता है तो so, दोस्तों पार्ट टू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं, मैं जल्द ही अपलोड कर लूँगा पार्ट टू और ऐसे ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद